यहाँ पे यहाँ क्या कर रहा है? मेरे लिए तो नहीं आया? इस बड़छड़ा में तो सबक सिखा देंगे, लेकिन कैसे? मुझे क्या लेने देना, हो सकता है मेरे लिए आया ही ना हो। अगर देखा ना तो इसको जेल की हवा खिलाएंगे। देख लिया देख लिया, अब हम क्या करें? कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा। कंट्रोल अंजलि, कंट्रोल। बस देख ही तो रहा है, अगर पास आया तो बताएंगे। कहीं आने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? ये क्या, नहीं आया? Excuse me, please. If you don't mind. मैं किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। हे भगवान, इतना गुस्सा तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बस थोड़ा मुस्कुरा दो, अच्छा लगेगा। कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, बस वही वाला प्यार तुमसे भी हुआ है। अब तुम भी जल्दी से हाँ बोल दो, क्यों बोलना चाहिए ना। हाँ ना के चक्कर में देर हुई ना तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूट गई। अरे पहले तकरार होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्यार का जो बुखार है वो चढ़ता है, होता है ना। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही तुम दिखती हो, क्यों? मैंने सही कहा ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। कह रहे हो, तुम कौन हो हम तो जानते भी नहीं। हम अशोक है, पुराने शहर में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, पुराना गाड़ी ठीक करता हूँ। पेशेंस का कमी है, इमोशंस का भरमार है, और जब गुस्सा आता है तो सामने जो भी हो सबको फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें भी हैं। अच्छी आदत यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बुरी आदत यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी काहे बर्बाद करना चाहते हो? ए भगवान, इतना बड़ा इल्जाम, ये क्या कह दिया तुमने? ईमानदारी से अपना बात कहा तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, आज से तुम्हारी जिंदगी से दूर चल जाऊंगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन मेरा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भूल कर भी तुम हमको याद भी की ना तो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, कन्फर्म। ओके ओके ओके, वेरी गुड, थैंक्स सिस्टर। लो, अरे रख भी लो, तुम्हारे लिए ही लाया था। सर आखिर ये शहर में चल क्या रहा है? जेपी को भी किसी ने मार दिया, ये डेड बॉडीज कहाँ से आई? चल रही है भाई, और कितनी जांच करेंगे, हमें कातिल का नाम बताइए। सुनो, ये सब के सब प्रोफेशनल किलर है, ये जितने किलर थे सारे बिहार से आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए थे? मरने के लिए आए थे। अच्छा सुनो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेपी के भाई ने इन सबको जेपी को मारने के लिए भेजा था। जेपी के भाई ने? इन्हीं से पूछिए, आप बताइए ना सर। जेपी के भाई ने ही बुलाया, अगर उसने बुलाया तो इनका कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि कैसे पता होगा कि जांच चल रही है, पता लगते ही आप लोगों को इत्तला कर दिया जाएगा, तब तक हम आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर सर सर, एक आखिरी सवाल। ऐसा है, बाकी जानकारी इनके पास है, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लो। आप बताओ सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? सर ने जो बताया उतना काफी नहीं है क्या? थोड़ा सर आप भी कुछ बताइए ना। चलाओगे ना अपने चैनल पर? पक्का सर, आखिर हम न्यूज वाले हैं। ठीक है तो फिर रिकॉर्ड करो, इन सबको किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि इनको मारने वाला है के। अबे इतना डर क्यों रहा है? इन सबको के के हाथों मरवाया है उसकी माँ ने। सच में? क्यों, शौक लग गया ना? बहुत ही खतरनाक है वो, उसके बारे में लिखेगा ना। बहुत जल्द शहर में एक दूसरा मर्डर होने वाला है, वहाँ पर मिलते हैं। के हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उस दरिंदे ने मेरे भाई को मार दिया, अभी यहाँ से निकलते नहीं तो हम मर जाएंगे। पता था तुम्हें भी कभी प्यार हो जाएगा। मुझे भी कहाँ पता था कि हो जाएगा, अब हर तरफ दिन रात सिर्फ वही दिखाई देती है। क्या बात है भैया, आज आप लोग इतना सुबह सुबह का है? बस यूं ही, आजकल तो मंदिर बहुत जा रही है, सब ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है भैया, आपका और पापा का रिश्ता ठीक हो जाए बस इसीलिए। अरे पगली, मेरे और पापा के बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी है भैया, माँ ने आपके लिए गाजर का हलवा दिया है। अब
अब बोल भाई, शिव ने बिल्कुल सही कहा था, जेपी का भाई मेरे निशाने पर है। अकेला है? नहीं भाई, तीन लोग हैं साथ। पुरानी मिल के पास। तू उस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। जिंदा नहीं बचेगा आज। गजू भाई, मुझे किसी की सुपारी देनी है। उसने मुझे आवारा कुत्ते की तरह पीटा है, मुझे बदला लेना है उससे। अरे अरे अरे, पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, जैसे ही डिस्चार्ज मिला सीधे यहाँ आ गया। आप अपने लड़कों को भेज के उसके अकल ठिकाने लगा दो भाई, हाथ पैर तोड़ दो उसके। अरे आप पुतले की तरह क्यों बैठे हो भाई, कुछ तो रिएक्शन दो। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी आपके खून में उबाल नहीं आया भाई? जब वो आपके आदमियों की धुलाई करेगा तब आपको पता चलेगा मेरा दर्द, और फिर एक दिन वो आपको भी। अरे भाई का दिमाग हिल गया है क्या? मुझ पे हाथ क्यों उठाया? चुप हो जा। पर क्यों? पहली बार भाई की किसी ने धुलाई की है, उनके कान के पर्दे फट गए हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुन नहीं सकते। लगता है उसी ने कुटाई की है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये वही हो सकता है। मार डालेंगे उका। बस नाम बताओ हमका, बताओ। मैंने भी कई बार पूछा लेकिन इसने कुछ नहीं बताया माजी। बस तुम उका नाम बता दो, शहर से उसका निशान मिटा देंगे। ये सुन नहीं सकता माजी। बोलो बच्चुआ, बताओ कौन था वो, कैसा दिखता है? बोलो ना बच्चुआ, बोला। मैं कैसे बताऊँ आपको, मुझे खुद नहीं पता किसने मारा, और आप पूछ रहे कौन था, कैसा दिखता था। अच्छा, लगता है इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इसे ये भी नहीं पता कि इसे किसने मारा और क्यों मारा है। के बच्चुआ, गज्जू पर हाथ उठाकर वो अपना मौत को दावत दिया है। इससे पहले कि ये खबर शहर में फैल जाए, उसका मौत का खबर फैल जाना चाहिए, ठीक है? माँ, वो जॉन कोई भी, जहाँ कहीं भी, उसको शमशान पहुँचाऊंगा। हे भगवान, हे भगवान, उस लड़के से मेरा पीछा छुड़वा दो, कुछ भी हो जाए मेरे पास ना है, हम उसके बारे में कभी ना सोचे। प्लीज भगवान मेरी बात मान लीजिए, प्लीज ये बात मान लीजिए, वो मेरे सामने ना आए। हेलो, तुम क्यों मेरे बारे में सोचा ना? तुमने याद किया तो हाजिर हो गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं किया। तुमने याद नहीं किया होता तो मैं आता ही नहीं। अब ये बताओ तुमने क्या सोचा? किस बारे में? हमारे प्यार के बारे में। देखो तुम्हें मुझसे प्यार है, समझ नहीं आता कि तुम बोल क्यों नहीं देती। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बुआ आपको पापा बुला रहे हैं। अरे सुनो 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 सुनो, आई लव यू। तुम मुझसे शादी करोगी ना? शादी? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। देखा तुमने, तुमसे ज्यादा क्लैरिटी तो बच्ची के पास है। अब भाव मत खाओ, अब सोचो मत, मान भी जाओ अंजलि। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। हेलो, प्यार हो गया क्या?
देखकर दिल के अरमान जग गए क्या? हे भगवान, तुम लड़के लोग का एक ही प्रॉब्लम है, जब सीधे आई लव यू बोलो तो कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो भूखे को खाना खिलाता है, अंधे को सड़क पार करवाता है या फिर भिखारी के सामने पर्स खाली कर देता है, तब तो तुम लड़कियां फट से प्यार में पड़ जाती हो। देखो अगर ऐसा है, तुम्हें ये सब पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, तुम बस मुझे मौके तो दो, मैं तुम्हें एक से एक तरीके दिखाऊंगा। कौन है ये पागल? भैया भैया आओ। अरे वाह, ये तो मेरा साला है। कैसे हैं साले जी? हेलो हेलो, देखा ना मेरी कितनी इज्जत है, देखकर कुछ सीखो। अरे साले साहब, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। ओके ओके, ठीक है ओके ओके। देखा वो मुझसे कैसे बात कर रहा है? लेकिन मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है जी। अरे लिप से, मैं लिप रीडिंग करता हूँ पागल कहीं की। चलो प्लीज अशोक, तुम मेरे भैया को नहीं जानते हो, वो हमको जान से मार देंगे। ओहो, तुम अपने भाई की डेट से मुझसे प्यार नहीं कर रही हो? तो भी ठीक है, मैं सीधा तुम्हारे भैया से ही बात कर लेता हूँ। कल शाम को 5 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, ठीक है? अरे तो इतना घबरा मत, वो नहीं आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानती। अरे वो नहीं आएगा, तुम्हें बड़ा पता है, आ भी तो सकता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गहरा घर आ जाएगा, घर आने के लिए जिगर चाहिए। अरे उसका दिमाग खराब है, हमको तो लगता है वो जरूर आएगा। प्लीज यार मेरी मदद करो ना। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा डरती है रे, अगर मैं तेरी जगह होती तो उसकी टांगे तोड़ कर रख देती। ओह, ये तो उस गुंडे को हल्के में ले रही है। उसने मुझे छुआ। सच में छुआ? कहाँ? यहाँ पर। कमर में छुआ? तू फिकर मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है, हम उसे सुपारी दे देंगे और वो उसे 2 मिनट में खत्म कर देगा। तू फिकर मत कर भाई, सब संभाल लेंगे। आ गए। सलाम भाई, फोन पर बताया था ना, एक लड़का है जो इसे बहुत छेड़ता है और आते जाते हमेशा रास्ते में रोक लेता है, बार बार आई लव यू बोलता है। वो भी बताओ ना जो उसने मुझे छुआ था। अरे बता रही हूँ, एक काम कर, सारी बातें तो खुद ही बता दे, अगर तूने सब कुछ बता दिया तो उसकी छुट्टी कर देंगे। अरे वो ना एक नंबर का जालसाज लगता। आगे बोलो। एक बार उस गुंडे ने इसकी कमर को पकड़ लिया और उसने कमर केवल पकड़ा नहीं और उसको किस करने वाला था। किस कर लिया? नहीं बॉस, किस करने से चूक गया। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? मुझे उसका नाम नहीं पता, आप बस उसे सबक सिखाकर उसे हमेशा के लिए लूला कर दो। वो सब हो जाएगा, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे इन मोहतरमा से जरा अकेले में बात करनी है। ओके बॉस, तू फिकर मत कर रे, बॉस सब संभाल लेंगे। हां हां मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। तो फिर मैंने तुम्हें टच किया। कहाँ टच किया बताओ? मैंने तुम्हारी कमर को कब छुआ बताओ? झूठ क्यों बोला बताओ? पीछा छुड़ाना था इसीलिए। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? अगर मान लो कोई असली गुंडा होता और वो मेरी सुपारी लेकर अगर मुझे अंधा कर देता या फिर मेरे हाथ पैर तोड़ देता, फिर तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता क्या? अच्छा तो मेरी मौत पर तुम हंसना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं सोचा। फिर तुमने क्या सोचा था बोलो? वो यहाँ देखो। ए, मेरी आंखों में देखो और अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें तंग करने वाला लगता हूँ? नहीं लगते। मैं क्या तुम्हें इतना बुरा इंसान लगता हूँ? नहीं लगते। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में एहसास जग रहे हैं? हाँ जग रहा है। तो फिर तुम कुछ कहना चाहोगी? हमको छोड़ दीजिए, हमको घर जाना है अभी। लगता है तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जाओ घर जाकर आराम करो, जाओ 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 जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार का दिखावा कर रहा हूँ? तुमसे मेरा लव एट फर्स्ट साइट है। मुझे दर्द हो रहा है। तुम अपना हाथ तो छुड़ा लोगी लेकिन अपने प्यार को मेरे दिल से कैसे अलग करोगी? एक बार बस प्यार का इजहार कर दो, आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ूंगा।
ये मर गया, अब डरो मत। कहाँ नाम है तुम्हारा और कहाँ रहती हो? ए? भाई मार दू। अरे ए, ए, अंजलि क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ? हमको मार दे। अंजलि शांत हो जाओ। मार देंगे। अंजलि शांत हो जाओ। अंजलि कूल डाउन। कुछ नहीं हुआ। अंजलि मेरी बात सुनो। मार देंगे। मार देंगे। बचा लो। बचो। साहब एक बार हम लोग तय किए हैं कि आप ही हमारे तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम लोग हाई कमान को बता देंगे। वो लड़का इसी इलाके का है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। दरअसल हम लोगों ने जेपी को टिकट देके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाई कमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। बस एक बार आप हाँ बोल दीजिए, हम लोग हाई कमान से बात कर लेंगे। सर हम लोग हैं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। का हुआ बिटवा? राधे को मारते समय हमें वो लड़की को देखे थे, हम उससे शादी करना चाहते हैं माँ। का सच में? चलो इसी बहाने तुम शादी के लिए मान तो गए। हे भगवान तुम हमारी मनोकामना पूरी कर दिए। पांडा वैसे वो देखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, एकदम आपके तरह सुंदर है माँ। बहुत ही खुश नसीब है वो लड़की जो तुमको पसंद आ गई। हाँ अब तुम वो लड़की का डिटेल अच्छे से पता करो, का नाम है, का करती है, कहाँ रहती है। हाँ तो तुम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया। मेरी नौकरी अमेरिका में लग गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमेरिका जाने से पहले मेरी शादी हो जाए। वैसे इनके घर वाले भी तैयार हैं भैया। और पापा? पापा तो लव मैरिज के खिलाफ हैं, वो नहीं मानेंगे। और फिर भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना भैया। पहले से मुसीबत कम थी क्या जो तुमने और बढ़ा दी? कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों की शादी कैसे करनी है मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका भाई हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे कराइएगा शादी? मुझ पर छोड़ दो, तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से होगी, ये मेरा वादा है। कैसे करवाएंगे? आपका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, फिर कैसे होगा? करेक्ट, हम उनके गुस्से का फायदा उठाएंगे। माँ 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 जी माँ जी माँ। अरे तू अभी क्यों आया है? चले जा बेटा, तेरे पापा घर पर है। पूजा घर पर है, उसे बुलाओ माँ। हुआ पूजा? क्या? अरे माँ ये जग्गू। अरे माजी नमस्ते, क्या कर रहा है? अरे माँ बड़ा भोला है, थोड़ा बताओ, ज्यादा करने लगता है। पूजा दिख नहीं रही? पूजा भैया चुप चुप चुप। नमस्ते। वो तेरी नहीं मेरी बहन है, शांत हो जा। तुम्हारी बहन मेरी बहन? अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पूजा के लिए एकदम सही है। तेरे पापा आ गए। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ। मेरी बहन घर पे कुंवारी बैठी है, और उससे भी बुरी बात ये है कि किसी को इसकी चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ मैं हूँ, माँ मैं भले ही तुम्हारा बेटा नहीं रहा, लेकिन मैं पूजा का भाई तो हूँ, भाई तो हूँ। इसीलिए मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, अपनी बहन के लिए। मेरे भाई चुप जाओ मत कर। तुम यही सोच रही हो ना कि दूल्हा कौन है? ये रहा दूल्हा। हमें तलवे नहीं चाटते हैं, तरीके से अपनी तारीफ कर। आई एम जग्गू जग्गा राव, MA FRCS MABI। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी हाइट से ज्यादा है। अभी हम काम करते हैं मलेरिया डिपार्टमेंट में, फिनाइल सेक्शन में। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, महीने का 3,000 वेतन मिलता है, ऊपर की कमाई से काम चलता है। जेब भी चेक करता है ये? कभी कभार जेब चेक करता हूँ। कैसा लगा लड़के का बायोडाटा? ये 2.5 फुट है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। क्या कर रहे हो? भले सिंगल पसली है लेकिन प्यार बहुत करेगा। तुम जानते नहीं हो हमको, हम भले सिंगल पसली है लेकिन फैमिली के लिए। दूल्हा हो तो ऐसा। हम अपनी फैमिली के लिए घर का सारा काम करूंगा, हमारे दुनिया में आते हैं। आजा आजा, देखा कितनी लगी है पूजा, घर वालों के मसले से भी फुर्सत। राज करेगी अपने ससुराल में, अब देर किस बात की? हाँ कर दो। क्या सोच रही है? वो काला है पर दिल वाला है, और वैसे भी इस घर का दामाद कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इसी से काम चला लो, चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। इसे दामाद बना लो, इसे घर से निकाल देगा तो भी ये लड़का बुरा नहीं मानेगा, इसलिए जाओ जाकर बात कर लो। सही कह रहा हूँ? लेडीज लोगों से हम बात नहीं करते, हम घर के गार्जियन से बात। ये ख्याल दिल से निकाल दे वरना तेरे सर पर जो बाल है वो गायब हो जाएगा।
टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। अरे मेरा बाप हिटलर है। अरे हमको बात तो करने दो। समझा रहा हूँ। मैं ससुर जी से मिल के आता हूँ, तुमको हमारा टैलेंट के बारे में पता नहीं है। साइड प्लीज लेडीज। अंकल अंकल अंकल, हाय अंकल, आई एम जग्गू। ओके, आपसे मिलकर खुशी हुई, लगता है आपको खुशी नहीं हुई। व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, एकदम लल्लन टॉप। आपके फोटो पर माला चढ़ाकर पूजा करने को दिल करता है। आई एम सॉरी, मतलब आपकी फोटो की पूजा करने का मन करता है। आपकी बेटी हमको पसंद है, आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। हमारे जैसा दामाद को आप खोजने निकलेंगे ना, तो पूरी दुनिया में हमारे जैसा बकलोल दामाद कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे क्या देख रहे हैं, इतना हैंडसम दामाद देख के शौक लग गया? हमको पता है शौक लगा। और सुनिए, हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ दो जोड़ी में दुल्हन चाहिए। शादी में हमारे सिवा कोई नहीं आएगा, हम अकेले ही काफी हैं। आप भी किसी को मत बुलाइए, रजिस्टर मैरिज। मतलब सस्ते में शादी हो जाएगी और सस्ते होटल में खाना खा लेंगे, ज्यादा खर्चा नहीं होगा, किसी को बुलाने का झंझट नहीं होगा। देखिए, हमारे जैसा अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा आपको, सही कहा ना? अरे आप बहुत लकी है मैन, जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर कन्यादान कर दीजिए, समझ गए? मेक इट फास्ट, डू इट फास्ट मैन। ओ आप बहुत भाग्यशाली। मर गया। अरे छोड़ो, अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे बाप रे मार डालेंगे। अरे भैया हमको बचाओ। हम कहा बताए मैडम, हमारी हड्डी का भूसा बना दिया है जल्लाद। अरे बाप रे, कहा देख रही है? अरे चलिए। और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो, इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे ऐसे से काम चला लो। एक को पार्ट सही नहीं है, बाप रे। हे भगवान, इंसान है कि जल्लाद है पता नहीं। ऐसा हालत में हमारा कोई मदद भी नहीं कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, मैनेजर कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर। यस। ये क्या हुआ आपको? अरे पापी, हड्डी पसली तोड़ के पूछता है क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी पसली टूट गई। लेकिन चेहरे पर ये घूंघट क्यों? वो आज सोमवार का व्रत रखते हैं ना, तो सोमवार को हम किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये रहा मेरी बेटी का फोटो और बायोडाटा, प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देखिए इसके लिए। गोल्डन रिश्ता देखता हूँ सर। मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए, लड़के का खानदान अच्छा और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। पता है हमको, पहले से पता है। आपको कैसे पता चला? अब बात ऐसा है कि आजकल के पिता अपने बेटी के रिश्ते के लिए डॉक्टर इंजीनियर ही देखते हैं, और नहीं तो अमेरिका जर्मनी में सेटल लड़का देखते हैं, इसीलिए। आपकी फीस कितनी है? जितना डॉक्टर का फीस है। डॉक्टर फीस मतलब? हमारा मतलब है कि मैरिज का फीस क्या होगा, आप जो देंगे हम रख लेंगे, नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। वो कहा है कि हम मिमिक्री भी करते हैं ना, इसीलिए हमारी आवाज जो है वरुण धवन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान, इन सब से मिलती जुलती है। अच्छी बात है, ये रही आपकी फीस। अरे सर, इसकी क्या जरूरत है, काम होने पर दे दीजिएगा। बिना जान पहचान के मुझ पर इतना भरोसा, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता सर। देखिए सर, सर मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। हाँ। लेकिन लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। अगर अच्छा। कोई गलत रिश्ता करवाया तो मैं आपको कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप जाइए, आपके लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा। आप जाइए सर, चिंता मत कीजिए। अरे जाइए, ए भगवान मार डालेगा। कैसा है? अरे बाप रे, कौन है कौन है कौन है कौन? क्या हाल है जी? और कैसा आऊंगा, तुम्हारे बाप ने भरता बना दिया। मैंने तुझे मना किया था ना। हाँ। लेकिन तू ही बेचैन हो रहा था, पिताजी ने अपने हाथों की खुजली मिटा ली तुझे पीट कर। आग दोनों तरफ लगी थी, अब हिसाब बराबर हो गया। चल जो हुआ, अब ध्यान से मेरी बात सुन, जल्दी से मेरा एक काम कर दे, तेरा मैं एहसान मंद रहूंगा। ये देख, ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन प्यार करती है। लड़के के पापा से मेरे पापा की मीटिंग फिक्स कर दे बस। अब तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। डर मत यार। सर नमस्ते सर। बैठ जा। नौकरी कब गई थी आपकी? 2 साल हो गए सर। जॉन बॉस आपको बाहर किया था, कल जाके उसी की कुर्सी पर बैठना। ये ले तेरा ऑफर लेटर। सर ये सपना है कि सच्चाई है? अगर कोई सपना है तो वो भी बता दो, वो भी पूरा कर देंगे। ये घर भाड़े का है, अपना घर हो जाता तो। ये ले तेरे लिए डुप्लेक्स घर, जा और ऐश कर। डुप्लेक्स घर? सर मुझे लगा घर के लिए लोन देंगे, लेकिन आप तो घर ही दे दिए। अच्छा आप लोग किसी स्कैम में हमको नहीं फंसाएंगे ना? अरे आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, वरना आम के साथ साथ पेट भी काट दिया जाएगा, समझे ना? सर बिना जान पहचान के इतना बड़ा एहसान। हमको आपकी बहन से शादी करना है। लगता है भाई की बात सुन के इसे सदमा पहुंच गया है, तभी ऐसा कर रहा है। सर हमको रिश्ता मंजूर है। लगा नहीं था ये इतना जल्दी मान जाएगा। प्रभु देवा की तरह नाच रहा था ये,
लगता है सालों से इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था ये। शादी का मुहूर्त कब निकालें? वो सब हमारी माँ बात करेगी। हाँ। शादी होने तक आपकी बहन हमारी अमानत बनकर आपके पास रहेगी। ठीक है। अंजलि कहाँ है? सहेली के साथ फिल्म देखने गई है, अब आती होगी। आप उससे कुछ मत कहिएगा। हाँ। हम खुदे उससे मिलके अपने प्यार का इजहार करेंगे। ओ समय का इशारा कर रही थी तू? एक बात का ध्यान रखना, ये बात को अंजलि को मत बताना, नहीं तो तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, समझ गई? मैं कोशिश करूंगा आने। आप आइएगा तब भी हम सगाई करेंगे, समझे? क्या जिद है, पापा को जानती हो ना, अगर मैं सगाई में आ गया ना तो तेरी शादी रुक जाएगी। हम सगाई नहीं करेंगे। ए, ये क्या पागलपन है, दोबारा ऐसी बकवास मत करना। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस शादी के लिए और मना कर रही है। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? ये एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगा, जाकर कहीं और दिखाइएगा। आपके बगैर हम सगाई नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। पूजा, पूजा बिल भर के आ जा। सामने ही है भाई। हेलो गज्जू, अरे तुम्हारी आवाज नहीं भाई, क्या कह रहा है भाई? भाई 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 सॉरी भाई। हेलो, उसे जाने मत देना, उसने ही मुझे मारा था। क्या कहे? मेरे भैया आएंगे ना? अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कांग्रेट। भैया कहाँ हैं? हमें नहीं पता, कोई जानता है कहाँ है अशोक? बिना भैया के तुम लोगों को किसने बुलाया? क्या कहा? खाने की तैयारी होगी? बंदोबस्त अच्छा किया है, तुम अंदर जाकर देखो। जी सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आइए। क्या हुआ बेटा? हाँ वो मेरा फ्रेंड आने वाला था। अरे वो आना। अंकल ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अशोक, ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। आओ। जजमान बताइए बेटी के विवाह का मुहूर्त कब का निकालूं? कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। ठीक है। शुभ शशिग्रम पुण्यम यशस्यम आयुष्यम तिलकम मे प्रसीदतु। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, चलते हैं। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा हुआ सब कुछ अच्छे से निपट गया। सुनो, मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, अच्छा लगा। लेकिन वो यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया। वो असल में अंकल लड़के ने, मैं जानता हूँ उसे यहाँ किसने बुलाया, जबकि तुम जानते हो मुझे उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझा दो, मुझे इसकी सूरत कभी नहीं देखनी। अंकल, मैंने अपनी बेटी की वजह से इसे आज यहां से नहीं निकाला, लेकिन शादी में इसे जरूर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये मर चुका है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी मां की जान चली गई, और अगर ये इस घर में आना चाहता है तो ये मरने के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं। सॉरी भैया, इसे मेरे जीत के कारण हुआ, हमको माफ कर दीजिए। सॉरी भैया, हमको माफ कर दीजिए भैया। इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही अंकल की। फिर भी पता नहीं पापा ने मुझे फैमिली से क्यों अलग कर दिया। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा भी एकदम तुम्हारी तरह ही गुस्से वाले हैं, इसीलिए हमको लगता है वो तुमको अपना लेंगे। थोड़ा समय दो अशोक, देखना वो तुमको एक दिन जरूर समझेंगे। हमको यकीन है एक दिन वो दिन जरूर आएगा, इंतजार करो सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अंजलि। Thank you.
है जिसने मुझे मारा था भाई। भाई वो उसकी माशुका है भाई, ये देखिए दोनों की फोटो। भाई वो दोनों एक दूसरे को किस भी कर। वो भाभी है तेरी है। जब से नाम ले वो। तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग इस तरफ, चलो जाओ जल्दी ढूंढो उसे। क्या बताओ? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर, उसके बारे में तो आप बता रहे हैं तो ही मुझे पता चल रहा है। इतने बड़े होकर अपनी बहन को नहीं संभाल सकते? भाई उसके बारे में पता चल गया, हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। वो एक मोटर मैकेनिक है, वो अपने चार दोस्तों के साथ रहता है, उसका नाम है अशोक। अशोक, अशोक उसे ऐसी मौत दो कि अंजलि की तरफ दोबारा आँख उठा के देखने की हिम्मत किसी की भी ना हो। अंजलि सिर्फ मेरी है, जो भी बीच में आएगा मरेगा। इसको अपनी गाड़ी में बैठाओ। अरे रे, मर गया अब। बाप, हमें बचा लो अशोक से। क्या, कहां पर है वो? वो कबूतर खाने के पास। यहाँ पर सबको लेकर आ जाओ भाई। एक एक की छुट्टी कर दूंगा। ए, चल रहे सबको लेकर जल्दी आना, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। रुक जा, अभी आता हूँ। अरे वो अपने आदमियों को मार रहा है, चलो जल्दी जाना होगा हमें वहाँ। सबको लेकर जल्दी आओ यहाँ पर। ठीक है भाई, सबको मार दिया उसने। छोड़ना मत उसे। रुको, क्या सोच के आया था और क्या हो रहा है? मगर डरने की बात नहीं है, मेरे साथ मेरे आदमी है। ए, ए, भागो। भाई गज्जू भाई को बचाओ, अशोक आज उसको मार डालेगा। छोटू आगे खोल, छोटू आगे खोल। ए ए
तू? तू ठीक तो है ना? नहीं भैया। पीछे हटो, ए पीछे हटो। को ब्लैकमेल कर रहा है, हमको बम दिखा के यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है का? तुमरा ये को बम से खाली मुट्ठी भर लोग मरेगा। एए! बाकी का लोग तुमरा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ता को खिला देगा। अगर मर्द का बच्चा है तो फेंक ही बम।
वाह, चारों तरफ क्या नजारा है देखकर तो मजा आ गया। काश मैं इस मंजर का सीधा लाइव टेलीकास्ट देख पाता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, तुम आ गए क्या? यही सोच रहा था कि मीडिया वाले कहाँ रह गए, न्यूज चाहिए ना। खबर को सुन ही लेते, ये तबाही कैसी है। रिकॉर्ड करो। यस सर। अगले इलेक्शन में जीतने के लिए के पूरी कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर विपक्षी दल से मिली कि एक लड़के ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और अब वो बहुत ही चिंता में है और उसने केके के आदमियों और उसके भाई को ऐसा मारा कि उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल रंजिश लगती है। ये उस लड़के ने अकेले किया है। लड़के ने अकेले किया? एक मिनट, एक अकेले इंसान ने केके की फौज को धूल चटा दी है। पहली बार केके को शहर में कोई मर्द मिला है, सबको धाराशाही कर दिया। अब तो केके की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। केके का पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। अब बताइए, अब केके क्या करेगा सर? क्या केके? अब तो वो उसको मारने के लिए किसी कोने में बैठकर प्लानिंग कर रहा होगा। अरे आप मीडिया वाले कुछ समझते क्यों नहीं हो यार, केके का नामो निशान तो मतलब हाँ मिट गया, वो लड़का तो बारूद का ढेर है। अब आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा, अब देखो केके तो ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला है, लेकिन वो लड़का भी मामूली इंसान नहीं है। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे सर? हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा सर। बिल्कुल बन जाएगा। फिर हम लोग एक काम करेंगे, सारी लाशों को इकट्ठा करके उनको चला देंगे और जितने बचे हुए गुंडे हैं वो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इससे हम जैसे पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। देखना, आप सब लोग देखना, केके को दुनिया के सामने वो नंगा करके मारने वाला है। सॉरी कुछ ज्यादा बोल दिया। खबर मिल गई ना? अगर मैंने जाने अनजाने में केके के बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। अच्छा मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। अशोक, तूने छोटू को अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके पास मेरे दोस्त है, लेकिन तू इस तरह पब्लिक में मत घूम। तेरे और केके के झगड़े की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। ए, केके अब क्या करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, आगे क्या करेंगे हम? आइसक्रीम खाएगा? आजा। मैंगो है भाई? हाँ सर। ए, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे आइसक्रीम की पड़ी है? आइसक्रीम खाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे सुन तो सही, सुन, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। केके कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरे शहर में उसकी तूती बोलती है और उसके भाई को तूने कुत्ते की तरह मारा है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझसे बदला लेके ही रहेगा वो। क्या डॉक्टर ने छोटू को घर ले जाने की परमिशन? हाँ, दे दी है। ये बॉल कितने के? सारे बॉल। अरे ये बॉल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस हादसे के बाद छोटू बहुत उदास है। अगर हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे अशोक, तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? देख अशोक, मेरी बात सुन, तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जा। और उसके बाद क्या करूंगा? अरे उसके बाद तो सब कुछ मैं बताता हूँ। वो मुझे मार देगा, मुझ तक जो भी आएगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे छोड़ेगा नहीं, उसके आदमी हर तरफ तुझे खोज रहे हैं। ऐसा क्या घूर रहा है मुझे? मारेगा, मारना मारना। ये दवा लेकर छोटू के पास जा। तू भी चल। केके,
आइए माँ जी। ए, रुको, रुक जाओ। बैठिए माँ जी। अरे बैठिए ना माँ जी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते, माँ जी मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था, क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माँ जी आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं है माँ जी। शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज तक इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माँ जी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो जैसे मैं घूमता हूं, सीना चौड़ा करके, एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झूठ में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है, यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चला ना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूं। ए, चाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग पैरी होए। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गज्जू का है? हॉस्पिटल में है भाई। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर ये अशोक जो बकवास कर रहा था भाई, वो हमको चुना लगा गया। मुझे बात करनी होगी, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। भाई 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 सुनिए तो, कल जब वो हमें पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब से हमारी पिटाई हुई है इस शहर से हमारी दहशत कम हो गई है भाई, गर्दन शर्म से झुक गई है मेरी आपकी वजह से, इज्जत मिट्टी में मिल गई है मेरी। जब वो आपके भाई को मार रहा था तब कि आप गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उस अकेले ने आपकी इज्जत का मटिया पलित कर दिया है। आज उसने आपके भाई को मारा है, कल आपका भी नंबर आएगा, लोग आप पर थूकेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? जवाब देना है तो उसे ऐसी मौत देनी होगी कि उसकी 100 पुश्तें भी याद रखे। उसे नहीं मारोगे तो वो आपकी माँ को भी मार सकता है, याद रखना। लोगों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए सालों लगते हैं, अगर वही दहशत कायम रखनी है तो तुम्हें उसे मारना होगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ, अपने अंदर की आग को बाहर निकालो, हाँ, और जला दो, जला दो, दुश्मन को जला के खाक कर दो, चला दो उसे। इसने तो मुझ पे ही आग निकाल दी, समझ में नहीं आ रहा इसने गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल दिया। जले पर नमक लगाएगा तो ऐसा ही होगा ना। कहीं फ्यूचर बताकर मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? तूने भविष्य नहीं भूतकाल बता दिया। हा? मतलब के इसकी माँ को भी धमका चुका है वो? हाँ भाई। केके, अपना गुस्सा बचा कर रखो। कह रही हो माँ? जब बखत बुरा होता है ना
तो गधा भी पहलवान हो जाता है। पूरा शहर तुम्हारे नाम से कांपता है और ये रुतबा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हासिल हुआ है। पर आज हमरे आदमियों को मारकर वो लड़का हमारी हुकूमत को ललकारा है और यही वजह से मीडिया और पुलिस का नजर में वो लड़का हीरो बन गया है। तो इसके बाद हम कोनो छोटा सा भी गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लड़का और भी बड़ा हो जाएगा। अब तक तो वो यही समझ रहा है कि तुम्हारा लड़ाई गज्जू की वजह से है। अगर लड़की का बारे में पता चल गया तो मतलब भाई का भी गेम बच सकता है। उसका बात सच्चा है, उसको मामूली इंसान समझने का गलती बिल्कुल नहीं करना। वो एक बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, ताकत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसको दिमाग से मारना होगा और दिमाग कैसे चलाना है वो हम बताएंगे। अशोक, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं बदलूंगा या नहीं। तुम भी अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब मैं मम्मी की नहीं सुनता, पापा की नहीं सुनता, दोस्तों की नहीं सुनता, तो कम से कम भगवान की तो सुनो। अशोक, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो और जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। अरे मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी बदल नहीं सकता। उसके लिए तुम्हें जो सजा देनी है तो दो मुझे। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, करती हो ना? बेटा तुम उधर जा, मैं इधर जाती हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? के सर, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया, आपसे कोई जरूर गलती हुई है। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं। तो अशोक को समझा दो। सर ये क्या कह रहे हैं? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। हम असेंबली में जाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा हमको पब्लिक में ललकारा है, यहाँ तक कि हमारी मंगेतर से प्यार करता है। सर अशोक पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम उसे नहीं जानते, बस इतना याद रखो, उकरा पास जिए का ये आखिरी मौका है। अगर अब से वो हमरे रास्ता में आया तो उसको मरना ही होगा। इसलिए उससे कहो कि हमरे रास्ते में ना आए और कहीं दूर चला जाए। देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे इसके बीच में मत डालिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ए, 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 ए। उसको पैदा करके तुम पहला गलती किए और हमसे जुबान लड़ा के दूसरा गलती कर रहा है। मेरा अशोक से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो करना कीजिए। लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा। अंकल। ए। हाँ। अंकल डोनेशन दो ना अंकल। काहे खातिर? छोटा बच्चा के हार्ट के ऑपरेशन के लिए है, दो ना अंकल प्लीज। अंकल उनकी जान बच जाएगी अंकल। थैंक्स अंकल, ये लीजिए चॉकलेट। काहे खातिर? आज मेरा बर्थडे है अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। बच्चा सब मुझे बिन बुलाए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने बच्ची को मार दिया। तूने बच्ची को मार दिया? तू आदमी है या जानवर है? हाँ, जानवर हूँ। लेकिन इसे क्यों मारा? वो डिस्टर्ब की ना, जो भी बीच में आता है तबका देता हूँ। कोनो गैर का मरने से तुमको इतना तकलीफ हो रहा है? हमको और मजा आता। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो मजा और बढ़ जाता। अगर वो तुम्हारी बीबी होती और तुमको मारने में हमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। अशोक कहाँ है? क्या हुआ? अशोक है कहाँ? वो वहाँ पर है। अशोक क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पापा। पापा? पापा पापा को क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। हैं? तू सच कह रहा है? हाँ यार, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अशोक, अशोक,
क्या हुआ? अंजलि, अंजलि पापा ने बुलाया, मैं आता हूँ। पापा, राज, मेरे बुलाने का ये मतलब नहीं कि मैंने इसे माफ कर दिया। मुझे अपने परिवार के साथ शांति से जीना पसंद है और इसे गुंडागर्दी करके जीना पसंद है। इसने जो कुछ भी किया वो भूलकर मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ। आज मैं जो भी कहूंगा इसको मानना पड़ेगा। ये मानेगा, आप जो कहेंगे सब मानेगा। ये अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मैकेनिक का काम कर रहा है। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर, दिल्ली में पोस्टिंग है, कल सुबह इसे ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इसे सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं। अगर सच में बदल गया तो घर वापस आ सकता है। ये सुधर जाएगा अंकल, मुझे इस पे पूरा यकीन है। उसकी तरफदारी मत करो तुम, उसे यकीन दिलाना होगा कि उसे हमारी चिंता है। उसके बाद मैं खुद इसे अपने घर में बुलाऊंगा, उसे अच्छे से समझा दो। अशोक बहुत खुश लग रहा है ना? हाँ अंकल। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंजलि। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरी बात सुने। अब वो आपकी हर बात मानेगा। इसीलिए तो मैंने उसे दोबारा मौका दिया है। अगर इस बार भरोसा टूटा तो मैं खुद उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अब कभी ऐसा नहीं होगा अंकल, अब ये खुशी जिंदगी भर रहेगी। अगर उसे खुश रहना है तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। अगर उसे खुश रहना है तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। अब इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। मुझे ये लव मैरिज और इस तरह के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो नहीं सुधरा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पापा का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक ना एक दिन अंकल तुम्हें घर जरूर वापस बुलाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। देख लेना ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। कुछ दिन के प्यार को भूलने का दर्द इतना नहीं होगा जितना मुझे अपने 25 साल के बेटे को खोने के बाद होगा। जब तक वो दिल्ली नहीं चला जाता तब तक उसके साथ रहो, उसके बाद तुम चली जाना। तू हमें छोड़कर जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरी नौकरी भी तो कितनी दूर है ना, हम कहाँ और दिल्ली कहाँ। बेटा किसी से झगड़ा मत करना। माँ तुम परेशान मत हो। माँ अपना ध्यान रखना, फोन करना बेटा। हे, अब तुम्हें क्या हुआ? चलता हूँ। ध्यान रखना। चलता हूँ। बाय भैया। इतनी दूर क्यों खड़ी हो? वैसे भी तो दूर जा रहे हो ना। क्या कहा? हाँ, मतलब तुम दिल्ली जा रहे हो ना। अरे बाबा, तुम्हारे करीब आने के लिए ही तो दिल्ली जा रहा हूँ। पहले पापा का भरोसा जीतूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। Thank you.
माँ तुम सच्चे में ग्रेट हो। आपका मास्टर प्लान की वजह से अशोक को दिल्ली भेज दिया। आप इतना गजब सोचती हैं कि क्या बताए। जो हम पावर से नहीं कर पाए वो आपने दिमाग से कर दिया माँ। बेटा अभी तो रामायण शुरू हुआ है, चिंता मत करो, उसका बर्बादी का कारण हम ही बनेंगे। तुम्हारा शादी के साथ उसका अर्थी का भी मुहूर्त होगा। ए पांडा, पंडित जी को फोन करो और बोलो कि अगले महीने का मुहूर्त निकालें। माँ अगला महीना का है? अगला महीना इसलिए कहे कि इलेक्शन सर पर है, तुम्हारा शादी भी कर देंगे और तुम MLA भी बन जाओगे। तब तक के लिए तुम्हारा सगाई करके तुम्हारा शादी पक्की कर देते हैं, इससे उस लड़की को भी अशोक को भूलने का वक्त मिल जाएगा ना। हाँ। हेलो, मैं अशोक। अरे अशोक कैसा है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल अंजलि फोन ही नहीं करती, शायद कहीं बिजी होगी, बहुत दिनों से मेरी बात नहीं हुई है। कहीं तुम दोनों में कुछ कहा सुनी तो नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तू अंजलि के घर जा और मुझसे बात करा। अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया? अरे तुम मुझसे कोई सवाल मत कर, तू अभी मेरी बात तो सुन ले और उससे मेरी बात करा बस। और अब मैं फोन रखता हूँ, ठीक है, बाय। Hey, कितना गंदा करके रखा है, मुझे ही साफ करना पड़ता है। और तुम भी ये पुरानी साड़ी पहनकर क्यों घूम रही हो? लड़के वाले आते होंगे, कोई नई साड़ी पहन लो और क्रीम पाउडर लगा लो ताकि मेरी इज्जत बच जाए। किस चीज की तैयारी भैया? लड़के वाले आ रहे हैं। किसके लिए? तुम्हें देखने के लिए। मेरे लिए? तुम्हें पसंद नहीं होगा तो भी इस रिश्ते को मैं मना नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। अरे रे वो लोग आ गए, मेरा मुंह क्या देख रही हो तुम? जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। आइए आइए। नमस्ते आंटी जी, आने में तकलीफ नहीं हुई ना? पूरा शहर भाई का है, उन्हें क्यों तकलीफ होगी। आइए आइए चलो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? ये तुम्हारी होने वाली सास हैं, इनके पैर छुओ। क्या हुआ, इसके चेहरे की हवा क्यों उड़ गई? अच्छा है लड़के की माँ के बारे में नहीं जानती। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वैसे ही कपड़ा में भी बहुत सुंदर लग रही हो तुम। परी लो। ले लो बहन, ले लो। हमको ये शादी नहीं करनी, नहीं कर सकते। आंटी जी इसकी पहली शादी है ना, इसीलिए थोड़ी डरी हुई है। मैं उससे बात करता हूँ। ना समझ है, तुम फिकर मत करो, हम समझाते हैं ना। थैंक्स। हे भगवान। खुश हो ना? बहुत। मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक्स। मगर ये बात दिल्ली तक पहुंची तो हम आपसे पहले ही कह दिए, हम ये शादी नहीं कर सकते। हमरा बेटा सही कहता है, जितनी अच्छी दिखती हो उतना अच्छा बोलती भी हो। और गुस्से में तो बहुत सुंदर लगती हो। घबराओ मत, शादी के बाद सब ठीक होगा, पर तुम्हारा ही नखरा नहीं जलेगा। अब समझ नहीं रही, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। हाँ सुने हैं, नाचती अच्छा हो, एक बार शादी हो जाए तो हमारे बेटे को अपनी उंगली पर नचाना। को मेरी बात समझ नहीं आ रही? पर नाच कौन वाला करती हो, इंडियन करती हो कि वेस्टर्न? मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ अशोक से प्यार करती हूँ। जानते हैं। इसीलिए तो उसके पिताजी को धमका कर तुमसे दूर करने के लिए अशोक को नौकरी के बहाने दिल्ली भेज दिए। ये सब हम ही तो करवाए हैं, तुम उससे प्रेम करती हो पर हमरा बेटा तुमसे प्रेम करता है। तो हम का किए, अशोक को तुमसे दूर भेज दिए और तुम्हारे भाई को लालच देकर बात मनवा लिए। मान जाओ, हमरे बेटे से शादी कर लो, हम वादा करते हैं कि तुम राज करोगी राज, और हमरा वादा वचन है। अगर हमरी बात नहीं मानी ना तो हमारा बेटा है ना वो तुम्हारे परिवार को खत्म कर देगा। मान जा बिटिया, इतना खून खराबा अच्छा नहीं है, अशोक को भूल जाओ और जल्दी से ये साड़ी पहनकर नीचे आ जाओ, और हमरा कहा हुआ बात भूल मत जाना, जल्दी से आना। हाँ। अंजलि को समझा दिए हैं, आ रही है। पंडित जी, जी माँ जी, तैयारी हो गया ना? हाँ माँ जी सब तैयार है। पापा पापा, बुआ छत से कूदकर भाग रही है। वो भाग रही है।
रोको उसे। तुम्हारी इस अदा ने तो हमको दीवाना बना दिया। इसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। हमरे बेटे से शादी करने के अलावा कोनो रास्ता नहीं। हेलो। हाँ अशोक। हाँ राजेश, कैसे हो राजेश? अंकल जी ने तुझे अर्जेंटली आने के लिए कहा है। अर्जेंट बुलाया है? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो मुझे भी नहीं पता यार, उन्होंने बोला कि कुछ अर्जेंट है। अंकल वैसे मेरे बगल में ही है, जरा एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। ए अंकल ने कहा है कि तू पहली फ्लाइट पकड़ के जल्दी आ जा यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है। तू मुझे घर की जगह यहाँ क्यों लेकर आया है? तू आना मेरे साथ। हे, क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? अरे बोल ना। पापा, पापा के साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ? पापा, पापा, क्या बात है पापा? माँ कहाँ है पापा? पापा, बोलिए ना पापा। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ, 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 बताओ ना क्या हुआ माँ? माँ, 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 बात क्या है? अरे पूजा कहाँ पर है? माँ, माँ, पूजा, पूजा, अरे पूजा, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? अरे मुझे टेंशन हो रही है। अरे कुछ तो बताओ मुझे। ये
सब कैसे हुआ? ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, ये तो कोई नहीं जानता। अशोक, जब तू दुखी होता है हम सब दुखी होते हैं, इसलिए कभी दुखी मत हुआ कर। अशोक, अब क्या हुआ तुझे? एक बात बता यार, अगर मैं कभी गुस्सा हो जाऊं तो तू मुझे मना लेगा ना? मतलब मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा? तेरा दोस्त हूं, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरे साथ रहकर गुस्सा गायब कर दूंगा। अरे मैं क्या बताऊं, अंजलि तुम्हारा ही नाम लेती रहती है। लेकिन उसने कभी एक कॉल भी नहीं किया। वो यहाँ होगी तब ना। आहा, तुम जब दिल्ली गए थे ना तब वो दादी से मिलने के लिए गांव चली गई। उसका कोई फोन नंबर है क्या? कहाँ, उस गांव में। वहाँ से आकर हम लोग डेवलप कर गए, लेकिन वो गांव डेवलप नहीं किया, रेगिस्तान की तरह है। अरे वहाँ दूर दूर तक कहीं फोन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं निकल रहा हूँ, आते ही कहिएगा फोन करे। अरे जैसे ही वो यहाँ पर आएगी मैं तुम्हारी बात कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, अशोक नहीं आने वाला है। इससे अच्छा ये होगा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अरे भाई ये किस लिए हड़ताल हो रही है? कुछ नहीं भाई साहब, असल में हम ट्रक वालों की एक महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल है, तो आज सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है भाई, इसलिए सारे लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो उस तरफ से जाइए ना भाई। असल में हम ट्रक वालों की एक महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। असल में हम ट्रक वालों की एक महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी, वो आज पूरी हो गई। राज कैसे मरा था? राज कैसे मरा था? उसे ट्रक ने कुचल दिया था। मैंने पूछा राज कैसे मरा था? ए, बताना। आ, उसे ट्रक बोलो ना, ट्रक ने कुचल दिया। ए, ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही है, तो ट्रक ने उसे कैसे कुचल दिया? अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, राज भैया। ए, ए छोटू, आंखें खोल। छोटू, अशोक भैया आए हैं। आंख तो खोल। अशोक भैया, छोटू, अशोक भैया, उन्होंने राज भैया को मार डाला। अंजलि, अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि को हमरे हवाले कर दो तो हम तुमको जीने का एक मौका दे देंगे। जाओ निकलो यहाँ से, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। जाओ यहाँ से। अंजलि मैंने कहा जाओ यहाँ से। आना। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ए,
गुस्से में कोई फैसला मत लो। अगर अशोक को सच्चाई पता चल गई तो तबाही आ जाएगी। राज बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही था। राज की मौत खबर सुनकर अशोक टूट जाएगा। अशोक के जाने के बाद वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा। अशोक उसे जान से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए हमें अशोक से यह खबर छुपा कर रखनी होगी। अगर अशोक को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। और अगर कहीं के और उसके आदमी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो मैं नहीं चाहता मेरा दूसरा बेटा भी मरे। मैं तुम लोगों से विनती करता हूं, उसे सच्चाई पता मत लगने देना प्लीज। वो लोग अंजलि को क्यों लेकर गए? हाय, क्यों भाई, कैसे हो? अंजलि कहाँ है? कहाँ ना, गांव में गई है। केके ने अंजलि को किडनैप क्यों किया? केके, ये कौन है? मैंने अंजलि को गांव पहुंचाया है। मैं उसे गांव पहुंचाकर अभी अभी तो यहाँ आया हूँ। जस्ट मुझे सच सच बताइए, केके ने अंजलि को किडनैप क्यों किया? मैं सच कहता हूँ, मैं किसी केके को नहीं जानता। भाई का फर्ज तो निभा नहीं पाए, कम से कम पति और पिता का फर्ज अच्छे से निभाना। हाथ हटा। मारोगे? मारो ना। छे, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। जिस बहन ने तुम पर इतना विश्वास किया, आज तुम उसी को बेच रहे हो। अरे बेरहम, कम से कम ऊपर वाले से तो डर। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मुझे भी किसी कोठे पर बिठा दो, मैं ढेर सारा पैसा कमा कर लाऊंगी। उनका ट्रांसफर ही एक सही उपाय रहेगा सर, मेरे हिसाब से। मेरी बात मानिए। कॉफी लीजिए। जब ट्रांसफर मांगा तब तो नहीं किया, अब जाके कर दिया। छी, सरकारी नौकरी में यही प्रॉब्लम होती है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? तुम्हारे सिवा और कोई है यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भेजने में जरूर कोई साजिश है। भला कोई ये क्यों करेगा? ऑफिस में मुझसे जलने वालों की कमी नहीं है। अरे ऐसा है तो रिजाइन कर दो। सोचा तो, पर पूजा की शादी की वजह से बिना किसी बहस के जा रहा हूँ। अम्मा, ट्रेन का टाइम हो गया है। दिखता नहीं मैं चाय पी रहा हूँ? चाय अंदर बैठकर भी पी सकते हैं माँ। सुधा, इससे कह दो शादी के दो दिन पहले आ जाए। ट्रेन चल पड़ी। ख्याल रखना। चलती हूँ बेटा। आजा आजा आजा। ध्यान रखना माँ। तू भी रखना। हाँ। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए किसी उत्साह से कम नहीं है। आने वाले चुनाव में हमारे के भाई को भारी मतों से जिताएंगे और हम सभी विरोधियों का जड़ से सफाया कर देंगे। के जीतेगा तो मारेगा और काटेगा, दुखों और बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। केके बहुत बड़ा गुंडा है, क्रिमिनल है, एक नंबर का शैतान है, ऐसा विरोधी कहते हैं। केके गरीबों का मसीहा है, ऐसा सबको लगता है। ऐसा जनता कहती है, आप सभी कहते हैं। कई लोग सोचते कि केके आखिर है क्या? गांधी है ये, जिसने लाठी से अंग्रेजों को भगाया था, वो है। इसीलिए मैं कहता हूं, केके भाई को जिताओ, अन्याय और जुर्म को इस धरती से मिटाओ। इसकी गारंटी क्या है? कौन बोला सामने आए। जिसे गारंटी चाहिए वो सामने आए और भाई की टेस्ट कर ले। वो गांधी जी से कम नहीं है। एक गाल पे चाटा मारोगे तो दूसरा गाल सामने करेंगे। हिम्मत है तो सामने आए, भाई हर सवाल का जवाब देंगे। कम ऑन, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप क्यों टेंशन लेते हो भाई, किस में हिम्मत है जो यहाँ आएगा? क्या हुआ, सामने आने की हिम्मत नहीं हुई?
मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? लगता है भाई आज सच में पीटेंगे। अरे देखो इन्हें गुस्सा नहीं आया, जोरदार तालियां। अरे बाप रे। क्या केके, दो थप्पड़ भी नहीं सह पाया क्या? समझाने के बाद भी तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। अभी तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो तूने किया है उसका अंजाम तो भुगतना होगा, बस खुद को उसके लिए तैयार कर लेना, ठीक है? भाई अपना नेता है। और हाँ, आधे घंटे के अंदर अंजलि को लेने आऊंगा, तेरे घर में घुस के उसे लेकर जाऊंगा, तुम्हें तो रोक के दिखा। हमारे नेता केके, हमारे नेता केके। गाड़ी भागा। तुम लोग मेरे बारे में जानते हो? अशोक, अशोक रुक जाओ, उसका हाथ छोड़ो, जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये हमार बहू है, हमरे बेटे की महरारू, जाओ यहाँ से। भूरका रहे हो, मारोगे हमको? हमको मारोगे हाँ? या फिर हम तुमको मार दे? मारे मेरे अशोक को मारेगी तू? अपनी औकात में रह। अरे चुड़ैल कैसी माँ है तू, खुद को माँ कहती है? तेरी तो मैं। अंजलि चलो यहाँ से। आधा घंटा बोले थे ना तुम, अब बता कैसे लेके जाएगा, दिखा ले जाके। लेके जाओ, ले जाना। अरे भाई, भाई, अंजलि को छोड़ दे नहीं तो तेरे भाई का भेजा उड़ जाएगा। भाई, भाई, भाई। हेलो भाई, अशोक ने तुम्हें चट्टा मारा। कच्चू क्या हुआ? भैया 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 छोड़ दो। भाई भाई मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे कैसे किडनैप किया, मगर मेरी नजर में आपकी इज्जत बढ़ गई है भाई। भाई आपने मेरी खातिर भाभी की कुर्बानी दी है। यस पुत्र। क्या समझती हो खुद को, कुर्बानी देकर रिकॉर्ड बनाओगी? तुम मेरे बिना कैसे जी सकती हो? तुम्हें तो तुम्हें पाने के लिए दिल्ली गया था, छोड़ने के लिए नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा हाथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। भाई अशोक की फैमिली यहाँ नहीं है, वो शहर छोड़ के चले गए। चले गए? शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं से भी ढूंढ के निकालो।
हमको सबका लाश चाहिए। भाई यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। हेलो। हाँ छोटू बोला। गज्जू अपने आदमियों के साथ आया है और आपके बारे में पूछताछ कर रहा है भैया। हे, तू बाहर क्या कर रहा है? तू जल्दी से राजेश के घर के पास आ, जल्दी आ। हेलो हेलो, कौन है फोन पर? दे इधर। बोल जल्दी, अशोक कहाँ है बेटा? बोलना बोलना, ऐसे चुप क्यों बैठा है? बोलना छोटू, अशोक का है, पैसा चाहिए। फिर तुझे बिरयानी मिलेगी। तुझे बाद में फिल्म दिखाऊंगा बेटा, बता देना अशोक का है। चल बेटा बता दे वो कहाँ है, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, समझा ना बेटा, बता। कहाँ छुपा है वो, बोल। जल्दी बोल, बता। बोलता हूँ, मरने भी तो लाए। पता है अगर वो आ गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, वो मार मार के भरता बना देगा। मेरा गला दबाता है, कायर कहीं का दम है तो भैया से लड़के दिखा। तेरे जैसे 100 आदमी भी आ जाए तो अशोक भैया के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। मेरे अशोक भैया डरते नहीं है तुझसे, वो असली मर्द है, मर्द। ए! गूरता क्या है, आंखें नोच लूंगा। दम है तो मुझसे मुकाबला कर, अशोक भैया तुझे यहीं पर आकर मारेंगे। भैया, राज भैया का कातिल यही है, उनको इसी ने मारा था भैया, हमारे राज भैया को। इसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया, मार दो इसे भैया, मार दो, मार दो, मार दो। अशोक, Oh, my God.
गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती। उसको उस दिन ही मार देना चाहिए था। राजनीति और लड़की का पीछे नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब राजनीति छोड़ो और लड़की को भी छोड़ो, हमको उसका मौत चाहिए। मौत चाहिए उसका, जिंदा मत छोड़ना, जान ले लेना उसका। के हमको अशोक का कटा हुआ सर चाहिए, कटा हुआ सर चाहिए, समझे? हैदराबाद से सत्या का फोन आया था, उसका परिवार वहीं पर है। भाई भाई, आपकी जानकारी एकदम सही है, उसके घर का पता चल गया है। कल उसकी बहन की शादी है, वो वहाँ जरूर आएंगे। अमू बाप बेटा का ड्रामा खत्म। दिल्ली से वापस आ रहा है। हम कहे थे ना अशोक दिल्ली से वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी, अच्छा नहीं किया। और तुमको कहा लगा तुम ट्रांसफर करा के हमारी नजर से बच जाओगे। क्या किया उसने? उसने वो हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, खो गया सब कुछ। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। रात कब का है? 12 बजे का। 12 बजे का। अब तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारे बेटे अशोक की अर्थी उठेगी। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, बेटा को अपने पास ले आओ। चल मेरी बेटी को छोड़। साला पानी सर से ऊपर चला गया। याद रहे, अगर 12 बजे तक नहीं आया तो तुम्हारी बेटी की शादी हमसे होगी, बल्कि निकल जाएंगे। तू अपनी माँ अपनी बहन सबको मार डालेगा, तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मर गया तू मेरे लिए। तू हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया। बात है, आखिर तुम मरे खातिर आइए गया? तुम्हारा बापू नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो? ए, बहुत अच्छा काम किया, जैसा कहे थे वैसा नहीं किया, तुमसे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा। बिटिया के लिए बिटवा का कुर्बानी, इतिहास याद रखेगा। बचुआ छोड़ दे उका। ए, छोड़ दे रहे उसको। ए, मत छोड़ मेरी बेटी को, मत छोड़। अपनी बेटी को जन्म देने से पहले मैंने शेर को जन्म दिया है। शेर है मेरा बेटा,
ये अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छे से, कि अपनी बहन को कैसे ले जाना है। अगर तुझमें दम है तो उसे रोक के दिखा। मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। जो भी रास्ते में आए उसे काट देना बेटा। ए, 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 नीचे नीचे। तू क्या समझता है कि मैं कायर हूँ? कायर तो तू है जो मुझे डराने आया था, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज तक तुझे नहीं समझ पाया। तेरे लड़ाई झगड़े को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन आज मैं उसकी वजह को समझ पाया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई है। जब इस दरिंदे ने तेरी बहन को अपने गंदे हाथों से छुआ तो दिल में आया कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। आज मुझे समझ में आया कि तुझ पर क्या गुजरी होगी। तेरा गुस्सा जायज था बेटा। जब इसने राज को मारा तो मुझे तुझे सच बता देना चाहिए था, पर मैं डर गया था बेटा, बहुत डर गया था, क्योंकि मैं माँ की तरह तुझे नहीं खोना चाहता था। पर अब समझ आ गया कि तू गलत नहीं था बेटा, नहीं था गलत। पापा, नहीं नहीं, मुहूर्त में अभी आधा घंटा बाकी है। अपनी बहन को साथ लेकर आ जाओ और जो बीच में है उसे शमशान पहुंचा देना। जो भी बीच में है उसके टुकड़े कर देना। ए चिल्ला मत, आज तुम मेरे बेटे का तांडव देखोगे, ये घर शमशान बन जाएगा। भाग सकते हो तो बच जाओगे। बहन के साथ जल्दी आना। तुम्हारी बहन को हाथ का लगाया? तुम्हारा बाप तुमको खुद यहाँ लेके आ गया। तुम्हारे बाप का ही हरकत से हम बहुत खुश हुए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। ये बहुत अच्छा है कि उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को सब छुएंगे, कैसे बचाओगे? ए, शुरू हो जाओ बे। ए, एक मिनट रुक जा। बचपन से आज तक जब भी मैंने लड़ाई की, मेरे पापा ने मुझे रोका। उनके मना करने पर भी मैंने कईयों को जहन्नुम पहुंचा दिया, पर अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी है। पापा की कसम, सबको जहन्नुम पहुंचाऊंगा। बहन को जरा हाथ तो लगा।
तकलीफें दी देश की सुरक्षा का राज जानने के वास्ते। आंखें निकाल ली, इनकी आंखें निकाल ली, इनके इनके इनकी जुबान काट दी। आखिर में अंदरूनी अंदरूनी अंग भी पाकिस्तानी कमीनो, अगर एक ही माँ बाप की पैदाइश हो तो सुनो, आमने सामने की लड़ाई लड़ो, 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे, सब खत्म। अब तक हम लोग सिर्फ अमन की बात कर रहे थे, एक बार हमने जंग शुरू कर दी तो इंडियन आर्मी क्या है सब पता चल जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। सर छोड़िए, बात करने में मुझे डर लग रहा है। इसीलिए तो मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था, ये प्यार वार का चक्कर समय से बाहर है। क्या बोल रहे हो, होश में तो हो? सब कुछ हो जाने के बाद ऐसी बातें? क्या सब कुछ हो गया है? तुमने क्यों होने दिया? कितना ट्राई किया था हमने, हर बार एक ही बात, शादी के बाद होता, शादी के बाद होता तो अच्छा होता, तभी अच्छा होता। तुम्हारे पिताजी से गुफ्तगू करने के वास्ते मुझे कोई पक्का सबूत चाहिए ना। शट अप, इस समय जो भी होगा मैं देख लूंगी। इस जगह से
तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। पहले तुम रवाना हो जाओ, मैं 10 मिनट के बाद आऊंगी। हाँ सुनो तो, अब जाओ स्वाति। अरे स्वाति, जाने का मन नहीं कर रहा। शाम को फिर मुलाकात होगी, जाओ। अरे अरे सुनो, बेवकूफ। कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी होकर इतनी होशियार हो सकती हो, तो हम तो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, हमें कितना होशियार होना चाहिए। तुम दोनों के बीच 1 साल से जो प्यार मोहब्बत चल रही है, क्या समझती हो हमें पता नहीं? हमने तुम दोनों को रेड हैंड पकड़ा है सर। वो बेहतर चुनाव। हाँ डैडी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में जिस पर नाज है उसी को सिलेक्ट किया है तुमने। बट आई एम सॉरी राधा, तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग तो दे दी, अच्छी बीबी भी सुपुर्द कर रहा हूँ। डैडी 25 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ इसका टॉर्चर। देख रहे हो, अब तुम्हारी बारी। ऑल द बेस्ट। ये चैंपियन फॉर आवर हैप्पी मैरिज। हे रुको 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 रुको, जब तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाओगे तो वो तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, है ना? वैसे ही ये तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए वास्ते हैं। चाहे तुम कहीं भी रहो, मैं तुम्हारा हाथ हमेशा पकड़े रखूंगी। लव यू। आई लव यू टू। मगर मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कपड़े धोना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना। बीवी नौकरानी नहीं होती। ये सब काम दूसरों के साथ मैनेज किया जा सकता है, मगर एक बात नामुमकिन है। वो क्या? इवनिंग को ऑफिस के बाद, नहाने के बाद, हाँ? खाने के बाद, डिनर के बाद और सुबह के नाश्ते के बीच का जो खाली समय होता है ना, उसको दूसरों के साथ मैनेज करना बहुत नामुमकिन है। शट अप। हेलो मसूद भाई, और उसके आदमी को पता चल गया। तुम जल्दी से यहाँ आओ, जल्दी करो। मसूद ठीक है, अकेले रिस्क मत लेना, टास्क फोर्स को लेके जाना। मैं आ रहा हूँ बस अभी। सॉरी तुम घर पे जाओ, मैं टेरिस्ट का मामला है। खतरा तो तुम्हें भी है, मैं भी साथ चलूंगी। तुम हमेशा अकेले जाते हो, फोटो खींचूंगी, आर्टिकल जो छापना है। प्लीज प्लीज प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी चलो, वो भाग जाएगा। चलो चलो चलो, हमारी बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मुल्क इन काफिरों का नहीं, यही हकीकत है। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का है। अब तक बस हमारी हुकूमत कायम थी, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, इसी से अल्लाह ने हमें इन काफिरों के नीचे रहने की सजा बख्शी। हमको दोबारा अल्लाह की हुकूमत लानी होगी। हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे, इसीलिए आप सभी को पाकिस्तान के लिए रवाना कर रहे हैं ट्रेनिंग के वास्ते। पासपोर्ट्स तैयार हैं। जिहाद। मसूदी से कवर को किस, चलो क्विक। Thank you.
अग्नि, इसे क्यों नहीं? यहाँ चलो, गो गो। स्वाति, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, स्वाति, स्वाति तुम ठीक हो ना? मैं डर गई थी। हे, राधा 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 राधा। AK-47 है? स्वाति पीछे आ जाओ। फोटो तो खींचने दो ना। स्वाति, दर्द हो रहा है ना? स्वाति,
साथ में हूँ ना। हाँ निकलो ना। प्रिंस, निकल बाहर होगे ना? पति, जल्दी, जल्दी। कुछ नहीं उठो, तुमको कुछ नहीं उठो पति। हमारी सुहागरात में भी मुझे ऐसे ही उठा के ले जाओगे? बकवास बंद करो स्वाति, कुछ देर के लिए चुप रहो, चुप। रो रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगी नहीं। स्वाति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा स्वाति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, स्वाति तुम ठीक, स्वाति तुम ठीक हो जाओगी, स्वाति, 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 बाबू आपको ब्लैंक चेक देता हूं मैं। आपने बहुत अच्छा किया। क्या एक्शन दिया आपने, कमाल कर दिया बाबू। अच्छा किया आपने। सुपर बाबा नहीं है हम, बाबा नहीं है हम, कोई बाबा नहीं है। मेहरबानी करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और हाँ, हमारी अगली पिक्चर भी ऊपर वाले के करम से रघुराम जनाब की ही होगी, क्यों उन्होंने हमें बनाया है। सो प्लीज हमको गलत मत समझे और हम पर नाराज मत होइए। अरे बहुत अच्छा किया। अरे अरे हटो, चुप रहो। कोटी तुम चलो, इनको मैं संभालता हूँ। हाँ चलो बाबू। अरे ये कहीं का बाबू नहीं है, अरे बाबू दूसरा है, अरे उनसे मिलवाता हूँ। चलो पीछे हटो, चलो हटो। आज तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा अरे निकलो यहाँ से, चलो। अरे बसु, वो वहां पे सामान पड़ा है, वो साइड में कर दो। तू यहाँ कैसे रुक गई? शॉट रेडी है, जल्दी चल। किसी भी ऐरे गहरे से बात करने लगती है, तू बड़ी हीरोइन है, चल। अकेलापन बहुत तकलीफ देह है, इस बात से मैं वाकिफ हूँ। अपनी वाइफ से जुदा हो गए, अपनी स्वाति बेटी को खो दिया। हम जानते हैं तुम स्वाति को भुला नहीं पाओगी, मगर भूलना होगा। क्या करें, सब करना पड़ता है। कितने दिनों तक यूँ घुट घुट कर जियोगे? सुनो, तुमको इस हालत में देख नहीं पाएंगे हम। हमारे लिए स्वाति और पूजा में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। पूजा के पिताजी हमारे अच्छे दोस्त हैं। ये भी तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारे अतीत के बारे में वाकिफ भी है। हमारी बात मानकर पूजा से शादी कर लीजिए, यही वक्त का तकाजा भी है। हमारी बात मान लो राधा। अस्सलाम वालेकुम। I-I-S-H-E कॉफी ले लीजिए। बेटा
ये काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहे हैं। इसे पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। सर पूजा। हेलो। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। 5 करोड़। 5 करोड़। क्या पूछना है? मौलाना मसूद असद कहाँ है? अभी आ रहा हूं सर। बहुत बड़ी जोखिम है। रिस्क की बात क्या है जनाब? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन दे दोगे तो यहां से सीधा दुबई भेज दूंगा पूरे परिवार के साथ। अरेंजमेंट की जिम्मेदारी हमारी, बस मसूद भाई की जानकारी दे दो। लमाचो साहब। आप नहीं साहब, मस्जिद साहब, ऐसे जूते पहन के अंदर आना बिल्कुल गलत है। अरे अरे कहाँ जा रहे जरा, मैं बोल रहा हूँ साहब। अरे साहब 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 नहीं साहब, मेरी बात सुनो साहब। क्या हुआ साहब आपको? रुकिए जनाब, ये ठीक नहीं साहब। साहब मैं बोल रहा हूँ अंदर नहीं जाना है साहब। साहब चप्पल पहन के अंदर नहीं जाने दूंगा साहब। अंदर नहीं जाना है साहब। नहीं साहब, ऐसे अंदर नहीं आ सकते। तू छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, नहीं आ सकते ऐसे। बोल रहा हूँ साहब, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाना साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो। ये बहुत साफ। अरे पीछे हट, पीछे हट। अंदर नहीं जाना साहब। अंदर मत जाइए, क्यों नहीं मान रहे आप साहब? साहब 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 मान जाओ।
इसे रोको। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। नहीं तो छोड़ेंगे नहीं मैं जिंदा। निकल जाओ यहाँ से। चले जाओ। हाय हाय रुक जाइए। छोड़ो मार। मारो उसे मारो। मार इसे। सही कर रहे हो। मारो उसे और मारो। अरे पुलिस आ गई भागो। अरे पुलिस आ गई भागो भागो। जल्दी भागो। जल्दी भागो। ठीक नहीं है साहब ये। हाँ ड्यूटी में है तो क्या जूते पहन के मस्जिद के अंदर जाएंगे? ऐसे ही हम मंदिर के अंदर जाए तो क्या आप खामोश रहेंगे? आपका मंदिर पाक है तो क्या हमारी मस्जिद पाक नहीं है? किस लिए जनाब आप हमेशा हम लोगों पर शक ही करते हैं? नाइंसाफी है ये। मंदिर में कोई क्रिमिनल घुस गया, किसी मुसलमान ने पाकिस्तान में कुछ किया तो हमको क्यों परेशान किया जाता है? साहब हम मुसलमान हैं सही बात है, मगर हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपकी तरह इंडियंस हैं। अरे हट, तुम इंडियंस हो नहीं सकते। थू, रहते हो इस देश में और 24 घंटे नाम लेते हो पाकिस्तान का। क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान से हारता है तो तुम मिठाइयां बांटते हो। अमेरिका में लादेन अटैक करता है तो तुम खुशियां मनाते हो। हिंदुस्तान के खिलाफ मदरसों में तालीम दी जाती है। तुम लोगों के घर, तुम लोगों के मदरसे और तुम्हारी मस्जिदें, ये सभी पाकिस्तान ISI को गुनाह करने के वास्ते पनाह देती है। तुम हिंदुस्तानी हो? थू, अरे जनाब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ISI वगैरह से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग आपको ऐसे लगते हैं क्या साहब? हकीकत तो ये है कि हम लोग भी आपके माफिक दिन रात मेहनत करके शराफत की जिंदगी जी रहे हैं जनाब, लेकिन आपके शक की वजह से हमें घबराहट होती है। अरे ये भी क्या जिंदगी है साहब, कुत्तों के माफिक जी रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुम्हें इतनी घबराहट हो रही है तो चले जाओ अपने पाकिस्तान में। अरे आप कौन होते हैं पाकिस्तान चले जाओ कहने वाले? क्या आपका मुल्क है ये? क्या सिर्फ आपका मुल्क है ये? अरे हम भी यहीं के हैं, पाकिस्तान हमारा नहीं है। आपके माफिक हमारी भी पैदाइश यही की है, आपके माफिक हमारी भी परवरिश यही हुई, और हमको भी यही की मिट्टी में फना हो जाना है। हमारा भी है ये भारत देश, हमें कैसे जुदा करेंगे आप? हम पर यकीन क्यों नहीं है? हमें यकीन नहीं तुम पर? तुम यकीन की बात करते हो? हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम है वो भाई भाई है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये यकीन का ही नतीजा है जो मुंबई में ब्लास्ट हुए, कश्मीर में गोलियां चली, मंदिर में जो अटैक हुआ है। इतना सब होने के बावजूद भी यकीन करके लाहौर तक बस सेवा शुरू की, और तुम लोगों ने कारगिल में धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा। या अल्लाह, गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप जनाब। हमारा कारगिल से क्या वास्ता? अरे हमको जानकार भी नहीं कि वो चीज क्या है। आखिर जिन्होंने धोखा दिया वहां पर वो पाकिस्तानी बदमाश थे, उन कमीनों ने अंजाम दिया जनाब, वो हम नहीं है जनाब। साहब सभी नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तानी नहीं होते हैं जनाब। इस्लाम का मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जनाब, दुनिया के न जाने कितने मुल्कों में इस्लाम है जनाब, उसमें से पाकिस्तान तो एक निहायत ही छोटा सा टुकड़ा है। साहब देश और ईश्वर में कैसा रिश्ता? साहब वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी है और हम इंडियंस। हम पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं साहब और यहीं पर रहेंगे। ए, तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो हमारे रहमो कर्म की वजह से। तुम्हारा पैगंबर यहाँ का नहीं है, धर्म ग्रंथ यहाँ का नहीं है, तुम्हारे अल्लाह से जुड़ा हुआ कोई भी धर्म स्थान यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, इसे अपना मुल्क कैसे कह सकते हो? हमारी माँ को जख्मी करने के बाद भी, तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाने के बाद भी, हमने तुम पर तरस खाकर तुमको यहाँ पनाह दी है। तरस खाकर पनाह देने की कोई बात नहीं है साहब, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जब तक जिंदा है यही पर रहेंगे, ये हमारी माँ है, ये मुल्क हमारा है, हम सभी का। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये रही छोटे। चलो चलो चलो। सरप्राइज चलो। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोग यहाँ कैसे? आउटडोर वाया दिल्ली। तुम कहाँ जा रही हो? दिल्ली। हाँ। दोस्त की शादी में। तुम काफी खूबसूरत हो। अरे छोटे से दुल्हन बन जाओ। आजकल कैसे दुल्हन बन जाते हो?
तुम्हें क्या कमी है? अजय भाई, अरे आ जाओ अरे अरे बैठो बैठो, आओ ना अरे कहीं जा रहे हो किसी को? अरे हम आने से पहले अमजद भाई को बता नहीं पाए कि हम आउटडोर जा रहे हैं। अरे पूजा, क्या तुम इनको जानती हो क्या? ये हमारे अमजद भाई के छोटे भाई है। हाय, फोन? ये क्या हुआ? भागो जल्दी, भागो यहाँ से। अरे अरे बैठ जाओ, रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे ये क्या हो? अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ? ये क्या कर रहे हो? अंदर कुछ नहीं करो। ए आमोद, अजय भाई। सर, हैदराबाद स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया है सर। ब्लास्ट में बहुत आदमी मर गया है सर। जल्द से जल्द वहाँ पे आने की कोशिश करें सर। आतंकवादी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाना चाहिए सर। वो ब्लास्ट हमने किया है। मैं हूँ अजहर खान। ए पुलिस, ये सिर्फ एक नमूना है। मसूद भाई और अमजद भाई को लेकर आधे घंटे के अंदर स्टेशन पर आ जाओ हेलीकॉप्टर लेकर, वरना ए पुलिस, अगर हमने दूसरे ब्लास्ट को अंजाम दिया तो स्टेशन के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सारा एरिया खत्म हो जाएगा। तुम अजहर नाम के किसी बंदे को जानते हो? अजहर? अजहर तो मेरा भाई है जनाब, हमारा छोटा भाई। क्या हुआ साहब? अरे अजहर, अजहर को टीवी में क्यों दिखाया जा रहा है साहब? कौन है साहब? हेलो भाईजान, मैं अजहर। भाईजान आप महफूज हो ना? अरे अजहर, भाईजान आप घबराओ मत, आप मसूद भाई के साथ यहाँ आ जाइए। अरे अजहर ये सब क्या? साहब मुझे बात करने दो अजहर से। साहब छोड़ी मुझे सर, मारो उसे, छोड़ो सर। हमें सब मालूम है, हम भी उसे खत्म करना चाहते हैं, मगर क्या करूं, हजारों लोगों की जान खतरे में है। मसूद को रिहा करना होगा सर, ये हमारा हुक्म है, गवर्नमेंट ऑर्डर। बचाओ हमें, हमारे बहुत से लोग अंदर हैं, बचाओ उन्हें, बाहर निकाल दो, बचाओ उन सबको, जल्दी कुछ करो। हटा दीजिए। हाँ ठीक है रुको। सबको फौरन बाहर भेज दो, फौरन सब बाहर जाओ। कमान मूव। कमान हरी अप, चलो बाहर निकलो जल्दी। Thank you.
ए पुलिस, उन दोनों को रिहा कर। अजहर, अरे अजहर ये ठीक नहीं है, छोड़ो उसे, छोड़। अरे मेरी बात सुन, ये ठीक नहीं कर रहा तू अजहर, ये अच्छा काम नहीं है अजहर। बकवास बंद करो, हमारे पास वक्त नहीं है। भाई को इधर भेजो, मसूद भाई को भी इधर भेजो, भाई को ले आओ जल्दी। अरे भाई किसको बोल रहा तू, इस कमीने को? अरे ये पाकिस्तानी है, काफिर है, देश का दुश्मन है ये। अरे मेरे जिगर, अरे गद्दार के साथ मत दे, छोड़ दे इस बिचारी को। अरे वो तेरी बहन जैसी है, जाने दे उसे। अरे छोड़ जाने दे उसे। तो काफिर है, हिंदुस्तानी काफिर, काफिर की औलाद है ये। भाई को इधर लाओ, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, हमारा पाकिस्तान। अरे चुप, हमारा पाकिस्तान नहीं है, हमारा हिंदुस्तान है। यहीं पर हम पैदा हुए, यहीं पर परवरिश हुई हमारी, ये हमारी माँ है, हम इस माँ की औलाद है। सो नजर, यहीं हम पैदा हुए, यहीं हमारी मौत होगी। बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। छोड़ दे पागलपन, ये पागलपन नहीं है, जिहाद है, जिहाद। क्या ढक्कन की तरह देख रहा है तू? उन दोनों को रिहा कर वरना लड़की को उड़ा दूंगा, समझा कि नहीं? नहीं साहब, नहीं जाना मेरे को उधर। साहब हमको पाकिस्तान नहीं जाना, साहब हमको मत भेजिए, साहब हम नहीं जाएंगे, साहब नहीं जाना, साहब पागल हो गए भाई जान, साहब करो, छोड़िए मसूद भाई को, अब नहीं हमारे पास, अब पाकिस्तान जाने नहीं जाना होंगे। पुलिस तू क्या देख रहा है, उड़ा दूंगा मैं इसको, अजब नहीं कर रहा हूँ भाई जान, तू उड़ा दूंगा मैं इसको, पागल बन मत करो भाई जान। ए पुलिस छोड़ो इसको, ए मजाक नहीं कर। अल्लाह अकबर, पूजा जय बजरंगबली, अल्लाह अकबर। चलो जल्दी चलो, अंदर जाने दो, सबक सिखा दो, जल्दी करो अंदर, चलो दो हमें बचाने दो, जाने दो हमें, जाने दो हमें अंदर, चलो जल्दी चलो। हेलो हुसैन, हेलो हुसैन, मुर्दाबाद, पाकिस्तानी काफिर है ये, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भाईजान हमें बचा लो, भाईजान हमें बचा लो, भाईजान कुछ कीजिए ना, भाईजान गुनाह हो गया हमसे, भाईजान कुछ कीजिए ना, हम जिंदा रहना चाहते हैं भाईजान, भाईजान हमें बचा लो, भाईजान हमें बचा लो, भाईजान हम जिंदा रहना चाहते हैं, भाईजान हमें बचा लो, भाईजान देश का गद्दार है, मार दीजिए इसको,
गद्दार है साला बदमाश, मार दीजिए इसको। वंदे मातरम, वंदे बॉम्ब अभी डिफ्यूज नहीं हुआ है, कुछ करना पड़ेगा। इन सबको लेके बाहर चलो, बाहर चलो, पीछे हट जाओ, 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 सब हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, अरे चलो सब 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 निकलो ऐसे, चलो जल्दी निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी 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 भागो भागो, यहां पर बॉम्ब है, जल्दी निकलो, भागो भागो, यहां पर बॉम्ब है, जल्दी भागो, बिल्कुल भी खेलना मत, भागो यहां से। आरडीएक्स बॉक्स में वैक्यूम कनेक्ट है, मगर सेल फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया है, सिग्नल अभी ऑन है सर, बहुत खतरनाक सर, ओपन कीजिए, घबराओ मत, मुझे हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, आराम से, आराम से, ओके, ओके, आराम से, बचो, ओके सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर, थैंक यू सर, सर, थैंक यू वेरी मच, आराम से हम जाते हैं। ठीक है भाई, उस जिम्मेदार को संभालना, अच्छे से ले जाना, ठीक है, और अपने अल्लाह को मेरा सलाम कहना, और हमारे वास्ते भी कोई लेकर आना। अरे क्या बात कर रहा है साहब, सलाम साहब, बहुत दिनों से अम्मी को मक्का ले जाने की ख्वाहिश थी, अब नसीब हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अपनी खुश नसीबी है कि आप छोड़ने भी आए साहब, शुक्रिया साहब, साहब ये मेरी अम्मी है साहब, अम्मी कैप्टन साहब का दोस्त है, राधा साहब बहुत आला पुलिस अफसर है अम्मी, अरे थैंक्स बोल। शुक्रिया जनाब, मुझे हमको माफ कर दो, आपके बेटे को। अरे ये क्या कर रहे हैं साहब, क्या कर रहे हैं, वो हमारा भाई तो था ही नहीं, क्यों अम्मी, वो गद्दार है, देश का गद्दार, अरे ये हमारा भाई है, मेरी जान शाहरुख खान, क्यों साहब आप भी तो हमारे भाई हैं, क्यों अम्मी आपकी भी अम्मी है, दुआ दे अम्मी। बेटा अल्लाह जो भी करते हैं अच्छे के वास्ते ही करते हैं। क्या रे हीरो, जान शाहरुख खान, अल्लाहू अकबर, जय बजरंगबली। जब भी दोनों की मुलाकात होती है बच्चों की माफी हो जाती है।